जय सियाराम। हरिओम। मोनू मानेसर गिरफ्तार हुआ, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने गौ रक्षक मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया और राजस्थान पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, राइट। अब गिरफ्तार तो क्यों नहीं होगा, गौ रक्षक है, गिरफ्तार क्यों नहीं होगा। मोदी जी कहते हैं गौ रक्षक जो गुंडे होते हैं, है ना। अब जो गौ भक्षक जो हैं, जो गाय को काटते हैं, जो गाय को खाते हैं, जो गाय का व्यापार करते हैं, गाय का एक्सपोर्ट करते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो गुंडे मवाली क्यों होंगे। वो तो फंडामेंटल राइट है उनका, भाई खाने पीने पे कौन रोक लगाएगा, वो गाय खाते हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री सबके हैं, है ना, गाय की पूजा करने वालों के प्रधानमंत्री थोड़े हैं वो। खैर, गौ रक्षक गुंडे हैं तो उसको पकड़ो, मारो, पीटो, ठोको। तो भैया ये अच्छा, ये जो बजरंग दल है और ये जो विश्व हिंदू परिषद है, वो राजस्थान सरकार की नाक में घुसेर घुसेर के आलोचना कर रहा है कि भैया ये जो है तो दुश्मन है। अरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, मोदी जी हैं केंद्र में, मोनू मानेसर हरियाणा का गौ रक्षक, तो हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया भैया उसको, और कोर्ट में ले गया, बोला 14 दिन के लिए इसको रिमांड दो। कोर्ट ने कहा ले लो, कोई बात नहीं। फिर कहा राजस्थान पुलिस वाले धमक पड़े, भैया अब तो गिरफ्तार हो गया है, इसको दो हमें वो नासिर जुनैद की हत्या में इसका इसको पूछताछ करनी है, भैया चलो ये भी ले जाओ। तो ये कुल मिला के बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि खट्टर ने मोनू मानेसर का साथ नहीं दिया, या गहलोत जो है तो कांग्रेसी है, वो तो हिंदुओं का दुश्मन है। अरे भैया बात को समझो, खट्टर तो मतलब वो किसी लायक है क्या, वो है अपना ठीक है सत्ता में, अब नू में इतना दंगा हो गया, मैं बात इतना बड़ा दंगा हो गया, फिर बुलडोजर जला, कोर्ट में जाके बोला कि भैया 70% मुसलमान पे चले तो 30% हिंदुओं पे भी चले हैं, भैया तो लिबरल बुलडोजर है वो, क्या करेगा वो। ऊपर से मोदी जी का आया होगा कि भैया बहुत हो गया, बहुत हंगामा हो गया, अभी G20 का सक्सेस हुआ है, वो मोहम्मद बिन सलमान जो आए थे मिडिल ईस्ट दुबई से, वहाँ के राजा, उनका आना सफल हुआ ना, तब तो ये गिरफ्तार हुआ मोनू मानेसर। मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ तो नैरेटिव बिल्ड हो रहा था ना गलत तरीके का। और जबकि हकीकत ये है भाई लोग, आप सब सुनिए, कि हरियाणा का DGP ने कहा कि जो नासिर और जुनैद की जो हत्या है उसमें जो है कहीं से भी मोनू मानेसर का हाथ नहीं है प्रथम दृष्टया। मैं ये भी बता दूं कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व जितने लोग हैं, जो एक होता है इनर जो सर्कल, जो क्रिमिनल्स जो ऑन द स्पॉट थे, घटना में प्रत्यक्षतः शामिल थे, उनमें वो नहीं है। एक दूसरा जो होता है बैकग्राउंड पीछे से, उसमें उसकी भूमिका का तफ्तीश जारी है एंड हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। जो फर्स्ट रेंज होते हैं, जो पहली सर्किल होती है, जो हत्या करते हैं, जो आते हैं, जो प्लान बनाते हैं, उसमें तो है नहीं। अब सेकेंड थर्ड रेंज में उसका उसकी सोच थी या नहीं थी, वो प्लानिंग में था नहीं था, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसीलिए राजस्थान के DGP कह रहे थे कि हम हरियाणा पुलिस को भी कोई दोष ना दे रहे, भैया उसके पास मेरे पास कोई ऑथेंटिक होगा कुछ तो। फिर उसमें जब उसने ये हरियाणा का DGP ने मोनू मानेसर को एक तरह से क्लीन चीट दे दी, ये जो लिबरल गैंग हैं, आज मुसलमान भाई लोग जो इन्फ्लुएंसर भी हैं पर यूट्यूब पर बड़ा एक्टिव भी हैं सोशल साइट पे, वो कहते थे कि भैया पैसा खाया होगा ये DGP जो है राजस्थान का। जैसे ही मोनू मानेसर गिरफ्तार हुआ, और भैया ओ मिलिटेंट गिरफ्तार हो गया, गैंगस्टर गिरफ्तार हो गया, मॉक करके है ट्विटर पे मैंने देखा लिखा हुआ था कि गहलोत ने कहा है वहाँ के पुलिस को कि भैया इसको प्रॉपर बेल्ट ट्रीटमेंट दो।
और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं जो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर को राजस्थान सरकार ने ज़बरदस्ती गिरफ्तार करवाया है, अरे भैया पागलों की जर, ठग चेहरों वाले लोग, उद्धव की सरकार थी ना महाराष्ट्र में, और बिहार के एसपी तक को उसने हवालात में बंद कर दिया था, बैठ यहाँ कोरोना है नहीं जाओगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में वहां से लोग जा रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे। भैया कानून व्यवस्था जो है सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में है, बिना महाराष्ट्र में उद्धव के हिले बिना, उद्धव के इशारे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। भैया बोले ना एसपी रैंक के आदमी को भी डाल दिया ना गया था कि अपना पूछताछ करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में, कैसे मोनू मानेसर को कोई गिरफ्तार कर लेगा भाई बिना राज्य सरकार की चाहत के। वैसे पहले भी तो यू बोले थे खट्टर ठक्कर जो भी है, पता नहीं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, तो बोला था ना खट्टर ने कि मोनू मानेसर गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है भाई, अरे क्यों किया जा सकता है, इतना बड़ा नाम है, छोटा नाम है क्या जिसके लिए कि अशोक गहलोत जो कांग्रेस की सरकार का आदमी है, मुख्यमंत्री है, वो उसने कहा कि हमें गहलोत वो चाहिए, हमें मोनू मानेसर जिसको जो राजनीति के केंद्र में है, जो चेहरा है राजनीति के केंद्र में, तो गाय है ना हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, गौ पूजकों की जो ये जो बहुमत है, जो भारत में जो गौ पूजक हैं, जो हिंदू हैं सनातनी हैं, उसी के वोट से ना खट्टर तुम हो, मोदी जी हैं, और उसी को गौरक्षक गुंडे हैं है? अरे भैया जितने गायें कसाई नहीं काटते हैं मोदी जी ने कहा, जितने गाय की हत्या नहीं होती है व्यापार के लिए, उससे ज़्यादा जो गाय है ना वो पॉलिथीन खा के मर जाती है, तो ऐसा करो गौ सेवकों गायों को जो है ना वो खिलाओ, वो बचाओ उनको पॉलिथीन खिलाने से बचाओ, जिससे ज़्यादा जो बचेंगी ज़्यादा रहेंगी तो ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा कटेंगी, ज़्यादा व्यापार होगा। अब किस देश में हो, हिंदुओं सनातनियों सोशलो मोनू मानेसर जो गिरफ्तार हुआ कोई नई बात थी क्या? नुपुर शर्मा का क्या हाल हुआ, कहाँ है काजल हिंदुस्तानी, कहाँ है टी राजा, क्यों जेल में गया मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगा हुआ है, संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ क्या हुआ, अजीमानंद के साथ क्या हुआ, कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ, ये बीजेपी किसी के साथ खड़ी हुई है क्या? खड़ी होती है ना बीजेपी अडानी के साथ, क्यों नहीं खड़ी होगी, नहीं खड़ी होगी बोरा समुदाय के जो बड़े बड़े लीडर्स उनके साथ नहीं खड़ी होगी, पसमंदा मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी होगी, दरगाहों में कव्वाली नहीं गवाएगी, सरतन से जुदा करने वालों के साथ नहीं खड़ी होगी, जो कहते हैं कि भारत जो है वो इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ देश है, बताइए मोदी जो हिंदू है और इस्लाम के विरुद्ध में बात करता है वो हिंदू ही नहीं है, अरे मोदी अभी पिछले वीडियो में ही दिखाया था ना, देख लेना आप लोग। ये कुल मिला के बात है कि मोदी स्टैंड बाय हूँ, मोदी किसके साथ खड़े हैं, वो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम वाला जिस सिद्धांत है गांधी जी का, उसी के गांधी टू है ना है? इतना जो सफल आयोजन हुआ G20 का, तो उसकी सफलता का एक्सटेंशन है मोनू मानेसर की गिरफ्तारी। इसको कोई ऑर्डिनरी बात अगर कोई मान रहे हैं कि चलो भाई तो गौ रक्षक ही तो था उसी से तो हिंदू थोड़े, उससे हिंदू तो थोड़े हैं, लेकिन हिंदुत्व तो की पहचान तो है, जड़ तो है, हिंदुओं के लिए लड़ा तो सही वो। ये जो बजरंग दल हैं, जो विश्व हिंदू परिषद हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे, उनका ट्वीट कहाँ है? वो अगर ये मोनू मानेसर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में होता तो लोग हंगामा मचा दिया रहता, अब भाजपा शासित प्रदेश में भाजपा की राज्य सरकार हरियाणा की सरकार ने गिरफ्तार किया, राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार को हैंडओवर किया, लो उसको ठोको पीटो मारो पीटो जो करना करो हटाओ, देख लेंगे चुनाव आएगा तो कोई नया सगुफा ले आएंगे हिंदुओं को बरगलाने का, भ्रमित करने का। इस मोनू मानेसर से पहले गुजरात की थी नेहा पटेल गौरक्षक, वो ऑस्ट्रेलिया से MBA करके आई थी 15 सालों से, है ना, बहुत दमदार औरत है ना, मोदी जी के साथ उसका फोटो वोटो भी है, लेकिन भैया मास्टर स्ट्रोक वादी
है ना, वो गौ की रक्षा करेंगे, हिंदू ये है, सनातनी ये है, दीज डैट लवागा डमाका, 1,00,000 बातें करेंगी और अंत में करेंगे कि ये सब इसीलिए हो पा रहा है कि मोदी है 1.5 महीने से जेल में, वो नेहा पटेल वो अपने कुछ लोगों के साथ एक जा रही थी गाय को रेस्क्यू कराने, बताइए, पकड़ी गई, उसमें कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन था, वो केस उस कर दिया, उसको धरा, 1.5 महीने से जेल में है, कौन देख रहा है उसको, मास्टर स्ट्रोक बाद दिए, जाओ जेल, क्यों नहीं जाओगे? अरे अगर शुद्ध हो, सनातनी हो, हिंदू हो, राष्ट्रवादी हो, गाय की पूजा करते हो तो खुल के बोलो ना, गौ कसी का जो कानून है वो गलत है, चाहे मोदी जी ने क्यों उसे बरकरार रखा हुआ, लेकिन उतना बोलने की तो हिम्मत है नहीं। तो मोदी कहता हो, ये तो मेरा चमचा टाइप आदमी है, ये तो मेरे जूते में पॉलिश करने वाला आदमी है, ये तो मेरा गुलाम है भैया, मेरे लिए ही काम करता है, चलो इसको कभी चारा डाल देंगे, जब अच्छा बोलता था चलो बोल लेने दो, जब ये फंसेंगे तो चलो जेल में जाऊँ, हटाओ यार। क्योंकि वो आदमी, वो नेहा पटेल ने आज तक कभी कहा कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में कैसे टॉप पे है, भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं है, हैं? अरे गुजरात में तो कानून है गौ हत्या नहीं हो सकती है, लेकिन अरे गुजरात में लीगल ऑथराइज गौ कसी केंद्र हैं, काउ स्लॉटर हाउसेज हैं। आज मोनू मानेसर गिरफ्तार हो गए। मोनू मानेसर को अगर एक आदमी, एक लड़का, एक जवान, एक गौरक्षक सिर्फ मानते हैं तो आपकी भूल है। मोनू मानेसर आपका हिंदुत्व का प्रतीक है, वो हिंदू सनातनी सभ्यता संस्कृति को बचाने का एक ऐसा प्रहरी है जो आपके लिए उठ खड़ा हुआ है। अगर वो उसने अभी कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर आप गए काम से, मैं ये कहता हूँ। अगर वो जेल गया है, अगर उसकी ठुकाई हो रही है, उसकी पिटाई हो रही है, तो आप भी उठ के खड़े हुई और बोलिए कि ये मोदी करवा रहा है, उसकी नहीं हो रही है, मोदी ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कराया, वहाँ से पकड़िए ना। खट्टर की क्या हिम्मत थी, खट्टर की क्या ताकत थी, जब तक उसके नाक में सांसें आ रही थी मोनू मानेसर था, ऊपर से डंडा आया होगा, G20 ख़त्म हुआ, वहाँ एक से एक मुसलमान देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया था, G20 के मेंबर नहीं थे, फिर भी कुछ तो दिखाना था करके, कतर के जूते पे सर रखे थे ना, नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कहा था ना, काजल हिंदुस्तानी को जेल भेजा था ना, नेहा पटेल जेल में है ना, एनएसए लगा हुआ है ना, मनीष कश्यप पे, संत शिरोमणि आसाराम बापू पिछले 10-15 साल 12 सालों से जेल में है ना, स्वामी असीमानंद की ऐसी की तैसी हुई कि नहीं है, और इसको साध्वी प्रज्ञा को वोट लगा कि आएंगे, इस महिला को ले आएंगे, इसने बहुत दर्द झेला है और दिस किया दैट किया, उसको टिकट दे दिया, और उसने संसद में गांधी जी के खिलाफ थोड़ी सी क्या बोला, रो पर मोदी का, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, है कहीं साध्वी प्रज्ञा को लैमलाइट माने नहीं देता, क्योंकि वो प्रखर हिंदू है, सनातनी है, वो खोल के बोलती है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मान के चलिए कि मोनू मानेसर गिरफ्तार इसीलिए हुआ है कि मोदी चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आइडियोलॉजी गांधी आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों के तृप्तिकरण कर रही है, इसीलिए वो अरेस्ट हुआ है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। हर घर को गुरुकुल बनाकर जीना है, यही एक रास्ता है, बनाने वाले चुनाव में तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, कोई चमत्कार हो जाए तो ईश्वर की कृपा है। जय सियाराम, हरिओम।